एसएससी इजी। मैं आज आपके साथ अवार्ड एंड ऑनर शेयर करने जा रहा हूँ 2020 का। तो ये पार्ट टू है करेंट अफेयर का, पार्ट वन हमने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सवाल के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज टॉप्ड द हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन वन, अनीस कुमार। ठीक है, और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो अनीश कपूर है ये पेंटर हैं, ये बेसिकली है तो इंडियन, पर ये रहते कहाँ पे हैं? ये रहते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, ये अनीश कपूर याद कर लीजिएगा। तो इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 के जो है वो अनीश कपूर है। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो ये कौन है? जावेद अख्तर। ठीक है, अच्छा आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जावेद अख्तर है ये बहुत ही अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, इन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे गाने लिख रखे हैं, आपको पता ही होगा, काफी फेमस है ये। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर इंग्लैंड जेम्स वाट अवार्ड। तो वो कौन है, किनको मिला है? वो मिला है माधवी, मधु माधवी को। ठीक है, किनको मिला है? मधु माधवी को। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मधु माधवी जी है ये बिहार की हैं। ठीक है, बिहार की हैं, इनको मिला है। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु हैज रिसेंटली बिन अवार्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो किनको मिला है? ये मिला है किरण मजुमदार सौ को। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द नासा प्रेस्टिजियस सर्विस मेडल। तो किनको मिला है? रंजीत कुमार को। देखिए, नासा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो अगर आपका नासा में एडमिशन हो जाता है, अगर आप नासा चले जाते हो, तो आप क्या सोचते हो कि भैया हम तो जीत गए, हमें जो चाहिए था हम उसे जीत गए। तो देखिए, नासा में अगर आपका हो जाता है तो आप जीत जाते हो, तो यहाँ से आप रंजीत ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है, हु हैज रिसेंटली बिन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020। तो ये किनको मिला? ये मिला है रतन लाल को। देखिए, इसका ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं आप, कि कोई बच्चा था, वो रात में बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है, वो खा के जब सोया रात में, ठीक है, तो वो जब सुबह उठा तो मोटा हो गया, लाल हो गया था। तो वर्ल्ड फूड क्या हुआ? रात में उसने खाया और लाल हो गया, तो रात लाल से आप याद कर सकते हैं, ये रतन लाल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। देखिए, हमारा अगला सवाल है, विच इंडियन म्यूजिशियन वॉज अवार्डेड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये किनको मिला था? ये मिला था शोभा शेखर को। देखिए, इंडिया की अगर कोई लेडी उधर ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर मेडल जीतती है, तो ये तो इंडिया के लिए शोभा की बात है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि शोभा शेखर। ठीक है, अच्छा ये देखिए, आपने पीछे पढ़ा था, ये किरण मजुमदार सौ जी थे, इनको किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था? इनको मिला था EY वर्ल्ड इंटरप्रीनियर के लिए अवार्ड। ठीक है, या पीछे देख लीजिएगा, वहां पे स्पेलिंग आपको मिल जाएगा। बढ़ते अगले सवाल के साथ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली हु WHO अवार्डेड इंडियाज वर्ल्ड नो टबाको डे अवार्ड 2022 विच NGO। तो इन चारों में से किस NGO को मिला गया? वो मिला है SEEDS को। देखिए, सीड्स का फुल फॉर्म है सोको इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। देखिए, हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली वेट लिफ्टर संगीता चानू वाज नॉमिनेटेड फॉर विच अवार्ड। तो संगीता चानू को किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो अर्जुना अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, तो इनको किस चीज के लिए मिला था? वेट लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। देखिए, हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली हु वॉन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर द एशिया सीजन। तो किनको मिला है ये? ऑप्शन टू, कृतिका पांडे को। ठीक है, याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया सीजन किनको मिला है? कृतिका पांडे को। बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो देखिए, हमारा अगला सवाल है, विच 13 ईयर ओल्ड टीनेजर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज वॉन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड। तो ये किनको मिला है? ये मिला है सुचेता सतीश को। ठीक है,
आपको बता देना चाहता हूँ, इनकी 120 भाषा में गाने गा सकती है, 120 लैंग्वेजेस इनको आते हैं, ठीक है। ये 13, इनकी उम्र क्या है, सिर्फ 13 साल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, विच साइंटिस्ट वॉज अवार्डेड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर 2020 रिसेंटली। तो ये किनको मिला है, ये मिला है ऑप्शन 4 आर रामानुजम को, ठीक है। देखिए ये जो आर रामानुजम जी हैं, ये हैं कौन बेसिकली, ये है कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट। बढ़ते अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड किनको दिया गया हाल ही में। तो देखिए ऑप्शन 2 थंगजाम धबाली सिंह को मिला है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द निकेई एशिया अवार्ड 2020 इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी। तो ये किनको मिला है, ये मिला है प्रोफेसर टी प्रदीप को। किनको मिला है, प्रोफेसर टी प्रदीप को। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रोफेसर टी प्रदीप है, ये आईआईटी के प्रोफेसर हैं और इनको वाटर फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए अवार्ड मिला है। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये क्या करेगा, ये वाटर को प्यूरिफाई कर देगा, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये एशिया महाद्वीप आपने सुना है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। तो देखिए एशिया से हो गया एशिया का अवार्ड और द्वीप से हो गया प्रदीप, ठीक है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं चाहे तो, या फिर अगर आप कोई ट्रिक लगा सकते खुद से लगा लीजिए। चलिए बढ़ते अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली हु वाज गिवन द यूनेस्को गुलेरमो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। तो ये किनको मिला है, ये मिला है जनीत बेदोया लीमा को, ठीक है। और ये अवार्ड जिनको दिया जाता है उनको साथ में $25,000 भी इनाम मिलता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हॉट अवार्ड। तो ये किनको मिला है, ये मिला है सानिया मिर्जा को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के साथ, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज वॉन द DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो ये किनको मिला है, ये मिला है सिद्धार्थ वर्धरंजन को, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 14 देशों में से 17 जर्नलिस्ट को चुना जाता है, जिसमें से एक जो है हमारे इंडियन भी, वो इंडियन कौन है, हमारे सिद्धार्थ वर्धरंजन, ठीक है। देखिए W के बाद ओ माय गॉड X Y और Z आता है, तो वैसे ही फ्लो में आप याद कर सकते हैं, जैसे V W X Y Z। तो देखिए W से पहले V आता है, देखिए यहाँ पे नाम में V है, यहाँ पे W है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल जाए तो, अगर याद आ जाए तो ऐसे याद कर सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अवार्डेड द सेकेंड वर्ल्ड वार अवार्ड टू, ये किनको दिया है इन्होंने, किम जोंग उन को, ठीक है। और आप सब जानते हैं ये जो किम जोंग है वो तानाशाह है नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, काफी सुनते होंगे। बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु है वाज रिसेंटली अवार्डेड द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये किनको दिया गया है, ये सौरभ लोधा जी को दिया गया है, और ये जो सौरभ लोधा जी हैं ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है, हु वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द एबल अवार्ड 2020। तो ये किनको मिला है, ग्रिगेरी मार्गुलिस को और हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आंसर है बोथ। बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली हु वॉन द पेन हेमिंग्वे अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो ये किनको मिला है, ये मिला है रुचिका तोमर को। किनको, रुचिका तोमर को। मैं बता देना चाहता हूँ, रुचिका तोमर जी ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम है अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, ठीक है। तो इस नोवेल के लिए इनको पुरस्कार मिला। ये बेसिकली कहानी किस चीज के बारे में, इसमें दो औरतें होती हैं और उनके दोस्ती के बारे में ये कहानी लिखा गया, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है,
Which state's chief minister is recently awarded the Hero to Animals Award by PETA? तो ये कौन कहाँ के चीफ मिनिस्टर को मिला है? ये उड़ीसा के। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? नवीन पटनायक। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच इंडियन एनजीओ रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस स्कॉल अवार्ड? तो किसको मिला है? ऑप्शन वन अरमान को, ARMMAN। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच वर्ड हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द डिकेड बाय अमेरिकन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स रिसेंटली? तो कौन से वर्ड को? दे, TH E Y को। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच इंडियन ओरिजिन राइटर हैज वॉन ब्रिटेन्स कोस्टा चिल्ड्रेंस बुक अवार्ड 2019? तो ये किनको मिला है? ये मिला है जसविंदर बिलन को। ठीक है, इन्होंने एक नॉवल लिखा था जिस नॉवल का नाम है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। ठीक है, स्पिरिट बर्ड, देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हम लोग कुछ खरीदते हैं तो अगर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट कितना होता है, तो हम दुकानदार से पूछते हैं भैया कॉस्ट कितना होगा, वो बोलता है बिल में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट कितना हुआ। तो देखिए कॉस्ट से आप बिल याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड? तो ये किनको मिला है? ये मिला है MS स्वामीनाथन को और डॉक्टर जी मुनि रत्नम को। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो MS स्वामीनाथन है ये सोशल वर्कर हैं और जी मुनि रत्नम जी जो हैं वो कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच इंडियन क्रिकेटर वाज ऑनर्ड विथ पॉली उमरीगर अवार्ड 2019 बाई द BCCI? तो ये किनको मिला है? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। देखिए सर ट्रिक ऐसे बना सकते हैं कि BCCI वालों ने बोला कि अगर तुम हमें गुमराह करोगे, ठीक है, तो हम तुम्हें उम्र भर क्रिकेट नहीं खेलने देंगे। तो देखिए गुमराह से क्या हुआ? जसप्रीत बुमराह, और उम्र से हो गया उमरीगर। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, ऐसा कोई गुमराह इन्होंने किया नहीं है। तो बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019? तो ये किनको मिला है? ये मिला है कृष्णा मचारी श्रीकांत को और अंजुम चोपड़ा को। देखिए सर ट्रिक ऐसे है कि देखिए नाम यहाँ सी के, अवार्ड में सी और के है, तो देखिए के से हो गया आपका कृष्णा मर्ची और सी से हो गया आपका चोपड़ा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज अवार्डेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020? तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है? ये मिला है डिब्रूगढ़ को। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत सारा जो प्लास्टिक था एक जगह फेंका हुआ, तो उसको क्या किया गया? एक डब्बे में भर के उसे फेंक दिया गया कहीं पे। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक और ये डब्बा, डब्बा से हो गया डिब्रूगढ़ और प्लास्टिक से हो गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच सिटी वॉज अवार्डेड द सैनिटेशन दर्पण अवार्ड 2019 फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? तो ये कौन से स्टेट सिटी को मिला है? ये मिला है पुरी को। पुरी कहाँ है? देखिए उड़ीसा में। इसका एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे दर्पण क्या होता है? शीशा होता है, आप जानते हैं, तो पूरी तरह से अगर शीशा को देखा जाए तो पूरी तरह से साफ होता है, तो पुरी और दर्पण। ठीक है, पुरी और दर्पण इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, इन हुज नेम द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर नेशनल यूनिटी? तो ये किसके नाम पर किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सिविलियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, तो एक बात बताइए, इनके जो सरदार होंगे, जो हेड होंगे, उनको अवार्ड मिला होगा, तो सिविलियन के जो सरदार थे उनको अवार्ड मिला किस चीज के लिए? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हु हैज बीन चूजन फॉर द 29th सरस्वती सम्मान रिसेंटली? तो ये किनको दिया गया है? ये वासुदेव मोहे जी को दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है? इन्होंने एक बुक लिखा था चेकबुक नाम का, ठीक है, जिसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया।
तो देखिए इसे आप याद कर सकते हैं, ये सरस्वती भी भगवान का नाम है, माता सरस्वती, और वासुदेव भी भगवान है। तो जहाँ भगवान भगवान मिल जाएंगे वहां पे आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच इंडियन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाइएस्ट ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो किनको दिया गया है? ये दिया गया है किरण मजुमदार साहा को। ठीक है, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो किरण मजुमदार साहा जी हैं, ये बायोकॉन की संस्थापक है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, टू हुम वाज द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2018। तो ये किनको दिया गया? कुलदीप सिंह को दिया गया। ठीक है, तो ये कुलदीप सिंह जी जो हैं, ये सिंगर भी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। तो ये किनको मिला है? ये डॉक्टर सक्या सिंह सेन को मिला। देखिए साइंटिस्ट में एस आता है, और ये जो डॉक्टर जी हैं इनके नाम में भी एस एस एस। तो जहां आप 4 बार एस देखेंगे, फट से टिक मारिएगा और आपको 2 मार्क्स मिल गए। बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस वाज अवार्डेड द क्रिस्टल अवार्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये किनको मिला है? दीपिका पादुकोण को मिला है। ठीक है, दीपिका पादुकोण जी बहुत सारे दिलों के क्रिस्टल है भाई, याद कर लीजिएगा। बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेयर अवार्डेड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर द ईयर 2019। तो कितने सारे चिल्ड्रन को मिला? 22 चिल्ड्रन को मिला है। ठीक है, 22। देखिए ये जो अवार्ड है, ये हमारे राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने ये पुरस्कार को दिया, कहाँ पे? अपने राष्ट्रपति भवन में दिया। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन रोम रैंकिंग सीरीज रेसलिंग कंपटीशन 2019। तो ये कौन कौन जीते हैं? ये है बजरंग पुनिया और रवि कुमार। ठीक है, दोनों कहाँ के हैं? हरियाणा से है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा रेसलिंग जो है वो हरियाणवी लोग ही करते हैं। बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो कौन से फिल्म को मिला है? कास्टल ऑफ ड्रीम्स को। ये जो मूवी है, ये एक ईरानी मूवी है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेयर रिसेंटली अवार्डेड द बाल शक्ति पुरस्कार 2020। तो कितने सारे चिल्ड्रेन को मिला है? ये मिला है 49 को। देखिए 2020 जो है, इसका 1 20 को आप निकाल लीजिए, तो इस 2 को हम ऐसे 4 लिख सकते हैं, और 0 को हम 9 बना दिए, ये आ गया 49। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। तो ये किनको मिला है? ये मिला है कुमार मुन्नन सिंह को। देखिए मुन्नन और मैनेजमेंट, मन मुन, ठीक है, मन और मुन, देखिए राइमिंग बन रहा है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हु वेयर पोस्थ्यूमसली अवार्डेड द पद्म विभूषण 2020 फॉर पब्लिक अफेयर्स। तो देखिए ये उपयुक्त तीनों को मिले हैं। ठीक है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस, इन तीनों को मिले हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड फॉर केरला मीडिया अकेडमी नेशनल अवार्ड। तो ये किनको मिला है? ये मिला है एन राम को। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो एन राम जी हैं, ये द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन है, द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये किस ग्रुप के चेयरमैन है एग्जाम में, तो देखिए यहाँ राम और हिंदू, राम मंदिर और हिंदू, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे करके। बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हु वाज ऑनर्ड विद द ग्रीन रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2019। तो ये किनको मिला है? एन कुमार को मिला है। ठीक है, किनको मिला है? एन कुमार को। बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज चूजन द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019।
तो कौन सी वर्ड है? हमारा संविधान। ठीक है, देखिए वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? वर्ड ऑफ द ईयर था हमारा क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी। चलिए बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच स्टेट तबलियव गॉट फर्स्ट प्राइज इन द 71st रिपब्लिक डे परेड? तो कौन से स्टेट को मिला है? असम को मिला है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी वाज अवार्डेड एन ऑनररी डीलिट बाय विच यूनिवर्सिटी? तो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला है? कोलकाता यूनिवर्सिटी। देखिए अभिजीत बनर्जी जी जो है ये 2019 में अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच कंट्री हैज सेट अ गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग फैशन शोज एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड? तो किसने? नेपाल को मिला है। नेपाल हो सकता है, ऐसे बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे इन्होंने ऐसे रैंप अप करवा दिया होगा, इसलिए शायद इनको मिला है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो फैशन शो हुआ था ये ग्राउंड से 5,340 मीटर्स ऊपर हुआ था। ठीक है, बढ़ते अब आगे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हु हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स अगेंस्ट लेप्रोसी? तो ये किनको मिला है? डॉक्टर NS धर्म सक्तू। ठीक है, अच्छा देखिए ये गांधी जी जो थे ये हमेशा धर्म से जुड़े हुए काम करते थे। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि गांधी और धर्म, धर्म से हो गया धर्म सक्तु। ठीक है, ये देखिए लेप्रोसी क्या होता है? ये कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विच नेवी शिप वॉज रिसेंटली गिवेन प्रेसिडेंट स्कॉलर बाय द प्रेसिडेंट? तो INS शिवाजी को मिला है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ।